आज मैं आप लोगों के लिए पता है क्या करने वाली हूँ, आपके जो व्हाइट बाल हैं उनको ब्लैक करने वाली हूँ। दिस इज बाय फार द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक ऑन द चैनल। मतलब अगर मैंने आप लोगों के कमेंट्स फ्लैश की ना स्क्रीन पे, मैं ही नहीं दिखूंगी। इतनी सारी कमेंट्स आप लोगों ने मुझे की है रिलेटेड टू ग्रे हेयर। तो कोई बात नहीं, आपको बहुत अच्छा कलर आएगा, बट इसमें कुछ छुटपुट चीज़ें जो हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सारी की सारी जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना वीडियो में, एग्जैक्टली वैसे फॉलो कर लेना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सभी का बहुत सारा वेलकम। मैं हूं अंजना। इस चैनल में शेयर करती हूं न्यू वीडियो एवरी ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे विच इज रिलेटेड टू हेयर केयर स्किन केयर एंड बॉडी केयर। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल नहीं, लाइक सब करेंगे बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर देना। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लेनी है मेहंदी यानी कि हेना। सबसे पहले आप इसे कोई भी लोहे के कंटेनर में डालोगे तो आपको और भी बढ़िया कलर मिलता है। सो लोहे का कंटेनर, यहाँ पे मैं कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कढ़ाई नहीं है या फिर लोहे का कंटेनर नहीं है जस्ट इन केस, तो उस केस में आप जो ग्लास के कंटेनर्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून की मेहंदी यानी कि हेना ले ली, और ये अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि एक बड़ी चम्मच जो होती है वो 15 से 20 ml इतनी की रहती है। सो जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरह से मुझे यूज़ करना है या इस क्वांटिटी में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच की मेहंदी डाल दी। अब मैंने इसको सोक किया है पानी में, तो पानी जो है आप धीरे धीरे डालना। एकदम से डाल दोगे तो कई बार ज़्यादा डल जाता है, आपको आइडिया नहीं लगता है। तो अगर आप धीरे धीरे डालते हो तो वो एक प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म सा पेस्ट मिल जाता है पहली बात तो, और दूसरा वो एक्सेस में नहीं डलता क्योंकि आपको आइडिया लगता रहता है साथ के साथ कि हाँ ये ज़्यादा गीला तो नहीं हो गया या फिर कम, है ना। तो आपने क्या करना है, धीरे धीरे से डालते जाना और इसे स्पून से मिक्स करते रहना है साथ के साथ। जैसे मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखा रही हूँ ना, ऐसी कंसिस्टेंसी आइडियल रहती है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी जब आपकी हो जाए उसके बाद आप इसे कवर कर देना अपनी कढ़ाई को, और उसके बाद सो जाना। नेक्स्ट डे आपको उठ के देखना है कहाँ है मेरी मेहंदी। तो आपकी जो मेहंदी होगी बेसिकली उसका जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक तो हमने इसे लोहे के कंटेनर में डाला है एंड बी हमने इसे ओवरनाइट सोक करके रखा है। सो इन दोनों रीजन से आपका जो मेहंदी का कलर है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें अपना नेक्स्ट चीज़ जो डालना है वो काफ़ी अच्छा कलर दे देता है हिना के कॉम्बिनेशन में, और वो है हमारा इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर जो होता है वो दिखने में तो हरा होता है, लेकिन जब भी आप इसे मिक्स करते हो ना हेना के साथ, ये काफ़ी अच्छा डार्क कलर आपको दे देता है। सो मैंने यहाँ पे जो इंडिगो पाउडर लिया है वो उसकी डबल क्वांटिटी में डाला है। मतलब 2 चम्मच का अगर हमने मेहंदी ली थी तो हमने यहाँ पे 4 चम्मच का इंडिगो पाउडर डाला है, ठीक है। आप इसे डाल दोगे, उसके बाद यहाँ पे आप इसे नॉर्मल पानी से सोक मत करना, आप इसे गर्म पानी से मिक्स करना। जब आप गर्म पानी से मिक्स करते हो तो इंडिगो का कलर तो अच्छा आता ही है, बट उसके साथ साथ उसकी जो पावर होती है आपके बालों में चढ़ने की, वो कलर की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है, कलर जल्दी से आता है और भी ज़्यादा। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने 1.5 से 2 कप का जो पानी है वो गैस में रख दिया। आप इसे ल्यूकवॉर्म जो होता है जिसे हम गुनगुना पानी बोलते हैं उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे लेके आओगे और उसके बाद गैस को ऑफ कर दोगे, ठीक है। गैस को ऑफ करने के बाद आपका जो इंडिगो और मेहंदी का जो मिक्सचर है उसमें आप इसे धीरे धीरे डालते रहना, धीरे धीरे डालोगे और इसे साथ के साथ आप मिक्स भी करते रहोगे, धीरे धीरे डालोगे मिक्स भी करते रहोगे। इससे आपको अगेन वही सेम लॉजिक है कि आपको एक आइडियल कंसिस्टेंसी मिल जाएगी जो कि लम्प फ्री भी होगी, ठीक है। हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी अचीव करनी है जो कि मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ। ऐसी कंसिस्टेंसी जो होती है क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो ये जान लेते हैं। एक तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है, दूसरा आपकी जो मेहंदी है वो सारे के सारे सेक्शंस में पहुंच पाती है। अगर आप इसे कुछ ज़्यादा ही मोटा बनाओगे तो उस केस में क्या होता है, आपके जो नीचे वाले बाल होते हैं ना वहाँ तक वो ठीक से पहुँच नहीं पाती, तो ये एक लॉजिक है इसके पीछे। अब मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शंस देने वाली हूँ जो कि हमारे बालों में एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस ऐड करेंगी विद दिस मास्क। किसको नहीं चाहिए, सबको पसंद है। सो मैं आपको 2 से 3 ऑप्शन दूंगी, जिसके पास जो अवेलेबल है वो ले लेना। सबसे पहला ऑप्शन है भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर जो होता है ना ही हमारे बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। अगर आप उसे एज अ हेयर मास्क यूज करते हो, जिसने भी यूज किया है वो अग्री करेगा कि आपके बालों में एक सॉफ्टनेस आती है उसके मास्क को लगाने के बाद। बट सेकेंडली अगर आप उसे एक लंबे टाइम तक यूज करते हो तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके पास वो कैपेबिलिटी है कि आपके बालों का जो कलर होता है ना उसको वो डार्कन करता है। बट वो स्लो प्रोसेस है, बहुत जल्दी तो नहीं होती ये चीज़ें, लेकिन काम आती हैं। दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको दे सकती हूँ वो है हिबिस्किस पाउडर। आप मेरा हमेशा हिबिस्किस पाउडर देख के यही पूछते हो कि आपका हिबिस्किस पाउडर जो है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है।
मैं हमेशा जो हिबिस्किस का लीफ पाउडर होता है ना वो यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ. ऐसा कुछ इशू नहीं है कि अगर आप दूसरा जो नॉर्मल फ्लावर वाला आता है तो उसका कोई लॉस है यूज़ करने का, बट इट जस्ट दैट मैंने शुरू से इसको ज़्यादा यूज़ किया है. इनफैक्ट इसी को यूज़ किया है, उसको एक दो बार मैंने ऐसे लगा के देखा था, बट मेरी प्रायोरिटी ये है. आप अगर आपके पास दूसरा वाला है जो फ्लावर का आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है. हिबिस्किस पाउडर जो है वो भी बालों को बहुत अच्छे से सॉफ्ट करता है. जिन लोगों ने भी हिबिस्किस का हेयर मास्क अभी तक ट्राई किया होगा तो आई एम श्योर आपको ये काफ़ी कन्विंसिंग लग रहा होगा कि हिबिस्किस पाउडर यहाँ पे क्या रोल प्ले कर सकता है. तीसरा ऑप्शन जो हमारा है वो है एलोवेरा पाउडर. वो भी आपके मास्क को ना एक सॉफ्टनेस जो है वो ऐड करेगा, एक सॉफ्टनेस वाली प्रॉपर्टी, तो इसीलिए यहाँ पे आप वो भी यूज़ कर सकते हो. आपको मार्केट में ऐसे मिल जाएंगे, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि छोटे छोटे सैशे में आते हैं और वो बहुत अच्छे रहते हैं. सो बस, सो ये तीन ऑप्शन से जो भी आप चूज करते हो 1 टेबल स्पून का आपको इसमें डालना है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है. जब आप अपने तीसरी चीज डालोगे तो आपको फिर से थोड़ा सा पानी डालना है और एक वैसी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी जब आपकी अचीव हो जाती है उसके बाद आपको पानी नहीं डालना, मतलब छोड़ देना है. आपको मीडियम कंसिस्टेंसी रखना बहुत अच्छा रहेगा. और आप अप्लाई कैसे करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप मेहंदी लगाते हो आपको किस तरह से लगाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कई बार क्या होता है आप अपने पूरे के पूरे बालों को कवर नहीं करते, तो इस वजह से आपके पूरे के पूरे जो बाल हैं वो अच्छे से आपको कलर नहीं देते. तो उसको कवर करने की भी एक टेक्निक है, फीमेल्स के लिए अलग, मेल्स के लिए अलग, मतलब छोटे बालों के लिए अलग, बड़े बालों के लिए अलग, लंबे बालों के लिए अलग. तो जो मेल्स हैं, पहले मैं उनकी टेक्निक बता देती हूँ और डेमोन्स्ट्रेशन भी मैंने उन्हीं पे किया तो आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे. आपको एक छोटी सी ना कंघी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि कंघी जो होती है आप पहले क्या करोगे ऊपर की तरफ करके पूरा का पूरा कवर कर दोगे मैक्सिमम पूरे के पूरे स्कैल्प में. आपको ऐसे ही करना है तो आपको क्या ऐसे बॉदर नहीं होना कि इतने बाल छूट गए उतने बाल छूट गए, बट आप ऐसे जब करते हो तो एक नीचे वाले जो बाल अदरवाइज रह जाते वो नहीं रहते. पूरा का पूरा स्कैल्प ऐसे कंघी की मदद से यूज़ करने के बाद आपने कवर कर लिया और उसके बाद उसके ऊपर एक और कोटिंग करो. इसमें क्या होता है आपके अंदर के बाल भी कवर हो गए, बाहर के बाल भी कवर हो गए, सब कवर हो गया. सो फिर आपके पूरी तरह से जो कलर आएगा वो बहुत अच्छा आएगा. अब फीमेल्स की कौन सी टेक्निक है, फीमेल्स को सेक्शंस में डिवाइड कर लेना होगा क्योंकि आपके लंबे बाल हैं, है ना. तो आपको क्या करना है, छोटा सेक्शन लेना है, उसकी दोनों तरफ को कवर करना है. इधर से कर लिया जैसे यहाँ से, और उसके बाद जो ये वाली साइड होती है इधर से कवर कर लिया. ऐसे ही सारे के सारे छोटे छोटे सेक्शन में करते करते आपको सिक्योर करते जाना है. जो छोटे छोटे क्लचर्स आते हैं वो आप यूज़ कर लेना, चाहे आप 7-8 सेक्शन कर लो या 10-12, डिपेंड करता है, सबके ऊपर नीचे हो सकते हैं. तो धीरे धीरे एक एक सेक्शन करके क्लच करते जाओ, क्लच करते जाओ. जब आपके सारे के सारे सेक्शंस कवर हो जाते हैं ना उसके बाद उनको खोल लेना और उसके बाद पूरा का पूरा ऊपर से भी लगा लेना. और ये जो पीछे वाले आपके लंबे बाल हैं उनको पूरा पीछे पकड़ के यहाँ पे पूरा चारों तरफ इसको कवर कर लेना, मतलब पूरा बाल आगे से भी पीछे से भी साइड से भी कवर कर लेना. और एक फाइनल कोटिंग जो है ऊपर वाले जो आपके स्कैल्प वाले बाल हैं जो कि मेनली यहाँ से ग्रे हो जाते हैं, इधर से हो जाते हैं, यहाँ पे भी हो जाते हैं, फिर उसको एक फाइनल कोटिंग दे देना. बस इसको आपको रखना है फॉर अबाउट 2-3 आवर्स. अब आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे सिर को कवर कर लेना है अच्छे से शार्क ऐप से. मेरे पास रेडीमेड शार्क ऐप है तो मैं वो लगा रही हूँ, बट अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई बात नहीं, जो घर में पन्नी मिलती है ना सब्जी वाली, आलू टमाटर वाली, वो भी आप यूज़ कर सकते हो. जस्ट दैट इट हैज़ टू बी इन क्लीन स्टेट, मतलब ऐसा ना हो कि उसमें कुछ कुछ चिपका हुआ है, क्लीन होनी चाहिए और उसको आप यूज़ कर सकते हो. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. इतना टाइम लगेगा कलर चढ़ने में मिनिमम, ठीक है, 2-3 घंटे आप इसे ऐसे ही रखोगे और उसके बाद आप इसे पानी से ही रिंस करोगे. बहुत सारे लोग हैं जिसमें गलती करते हैं, शैम्पू कर लेते हैं. हेना का मास्क लगाने के बाद आपको शैम्पू नहीं करना, आपका कलर नहीं चढ़ेगा उस केस में, आपको पानी से रिंस करना है. पानी से रिंस करने के बाद आप 2 दिन बाद शैम्पू करोगे, ऐसा आपको करना होगा. फिर जो आपको जो कलर आएगा ना बहुत अच्छा आएगा, ऐसे करना है, ठीक है. विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मुस्कान, खुजास्ता एंड रवनीत, गॉड ब्लेस यू ऑल. जिनका मिस हुआ उनको भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आप इसे जरूर ट्राई करना गाइस और मुझसे अपना रिव्यू इधर कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर शेयर करना. आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू ऑल. आप वापस आके मुझे बताना और आपके बालों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो पसंद आया है. इफ द आंसर इज यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना. अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.